सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की पहली लिस्ट के पहले प्रत्याशी भीम निषाद को सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा समाप्त होने के बाद अपने साथ हेलीकॉप्टर पर बैठाकर अकबरपुर ले गए जनसभा संबोधित करने। इस बात से भीम निषाद राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का मान सम्मान बढ़ गया और पार्टी में उनका कद भी। सुल्तानपुर में इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मंच पर चांदी का मुकुट भेंट किया। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने आए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मंच से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बखान करने लगे। जयसिंहपुर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू के बताने के बाद कैबिनेट मंत्री ने अपनी बात बदली। सुल्तानपुर में निषाद समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेनका संजय गांधी के लिए वोट मांगने पांडे बाबा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर जयसिंहपुर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू और जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर ए वर्मा मौजूद रहे। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा की पत्नी ने सपा नेता मोहम्मद मुस्लिम ममता पांडे के साथ चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जगदीशपुर में आसपास के गाँव में जनता से वोट मांगे। अमेठी में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अमेठी शाखा ने जगदीशपुर में ऑटो रिक्शा चालकों को टी शर्ट बांटा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष समीर कुरेशी सहित दर्जनों व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद रहे। अमेठी में मोहनगंज थाना की महिला पुलिस टीम ने पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को सुलझाते हुए दोनों को एक साथ रहने के लिए राजी खुशी तैयार किया। अमेठी में पूर्व एमएलसी और कांग्रेसी नेता दीपक सिंह ने सांसद स्मृति जुबिन ईरानी का ट्रेन से टिकट बुक करवाते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी जी ट्रेन से दिल्ली भेजेंगे क्योंकि उन्होंने अमेठी की कई ट्रेनें बंद कराई हैं। रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रियंका गांधी ने उत्कर्ष मौर्य का पार्टी में स्वागत किया। अंबेडकर नगर के प्रत्याशी रितेश पांडे को सांसद बनाने के लिए एमएलसी हरिओम पांडे ने युवा मोर्चा सम्मेलन का आयोजन अंबेडकर नगर के सैया डिग्री कॉलेज मैदान में किया। इस कार्यक्रम में आए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एमएलसी हरिओम पांडे ने 51 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत कर राम मंदिर का चिन्ह भेंट किया। जौनपुर दीवानी न्यायालय के कोर्ट में अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने अटाला मस्जिद को अटाला माता मंदिर बताते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में दावा पेश किया। अधिवक्ता ने दावे के संबंध में पुरातत्व विभाग के निदेशक की रिपोर्ट दी है। बहराइच में लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना कैसरगंज पुलिस ने पीएसी बल के साथ मतदान केंद्र और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बहराइच में लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए थाना विशेश्वरगंज पुलिस ने पीएसी बल के साथ डोमिनेशन एरिया में फ्लैग मार्च किया। बहराइच में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कैसरगंज में 20 मई 2024 को होने वाले मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने क्रिटिकल मतदान केंद्र बुबकापुर और फकरपुर स्थित मतदान केंद्र माधवपुर का निरीक्षण करते हुए सुविधाओं का जायजा लिया। बहराइच पुलिस कार्यालय में मौजूद परिवार परामर्श केंद्र पर एक परिवार के आपसी विवाद को सुलझाते हुए एक साथ रहने के लिए राजी खुशी तैयार किया गया। लखीमपुर खीरी के मोर्चरी में डीप फ्रीजर और एसी न चलने के कारण शवों की दुर्दशा हो रही है। परिजन अपने पास से पैसा लगाकर शव को सड़ने से बचाने के लिए बर्फ मंगा रहे हैं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भदोही में जिला अस्पताल में बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टर पर सीएमओ ने 5000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी में जमा करने का आदेश दिया। इस कार्रवाई के बाद से बाहर की दवा लिखने वाले चिकित्सकों में हलचल मची हुई है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।